नमस्कार दोस्तों, अभी अभी 2 मिनट पहले की सबसे बड़ी और बेहद दुखद खबर सामने आ रही है। आज कृष्ण जन्माष्टमी पर जिस परिवार में भजन कीर्तन होना था वहां मातम पसरा हुआ है। लड्डू गोपाल जी के लिए नया झूला आने वाला था, उसी परिवार के 4 लोगों की चिताएं एक साथ जली हैं, तो लोगों की आंखें भी नम हो गई है। परिवार के लोग रिश्तेदारों को यह कहकर श्रीनाथ जी के दर्शन करने निकले थे कि लौटकर जन्माष्टमी पर भजन संध्या करवाएंगे, लेकिन अब परिवार दुनिया में नहीं रहा है। जिस कार से वे श्रीनाथ जी के दर्शन करने जा रहे थे उसका टायर फट गया और चारों की मौत हो गई है। हादसे में केवल 3 साल की बच्ची की जान बच पाई है। अभी उसका इलाज चल रहा है। होश आता है तो माँ पापा पुकारती है। अजमेर शहर की ज्ञान विहार कॉलोनी में रहने वाले रिटायर सरकारी कर्मचारी राधेश्याम खंडेलवाल अपनी पत्नी शकुंतला देवी, बेटे मनीष और बहू यासिका और 3 साल की पोती किया के साथ मंगलवार सुबह नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी के दर्शन करने जा रही थी। रास्ते में अजमेर चित्तौड़गढ़ हाईवे पर अचानक कार का टायर फट गया और बैलेंस बिगड़ गया, जिससे कार डिवाइडर से टकराकर सड़क के दूसरी ओर चली गई। सामने से आ रहे ट्रक से टकरा गई, जिसमें 4 की मौत हो गई है। सिर्फ 3 साल की बच्ची बची है। परिवार में कोहराम मचा हुआ है। जन्माष्टमी पर परिवार में मातम पसर गया है। अब तक की सबसे बड़ी और बेहद बुरी खबर। आप सभी कॉमेंट बॉक्स में ओम शांति ओम जरूर लिखें।